अब मार्केट से महंगे पोटैटो फ्राइज खरीदने की बजाय इन्हें घर पर ही बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होंगे और टेस्टी भी। नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट पोटैटो फ्राइज की रेसिपी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े और लंबे साइज के आलू लिए हैं। इन आलुओं को मैंने पहले से ही अच्छी तरह से धोकर रख लिया था। इन आलुओं को पिलर की सहायता से अच्छी तरह से छील लेंगे। ध्यान रखें कि आलू फ्रेश हो, अंकुरित या हरा ना हो। इससे फ्राइज में थोड़ा कसैला टेस्ट आ जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। छीलने के बाद दोबारा से आलू को धोकर ले लिया है। अब इन्हें कट करना है। आलू के ऊपरी और निचले हिस्से को थोड़ा थोड़ा काट कर अलग कर देंगे। अब आलू को इस तरह से खड़ा रख लेंगे और चारों तरफ से हल्का हल्का कट लगा लेंगे। आलू के जो एक्स्ट्रा कटे हुए पार्ट हैं, इन्हें फेंके नहीं, सब्जी में इनका यूज कर लें। चारों तरफ से हल्का सा कट लगा लेने के बाद आलू थोड़ा शेप में आ गया है। अब मार्केट से महंगे पोटैटो फ्राइज खरीदने की बजाय इन्हें घर पर ही बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होंगे और टेस्टी भी। स्लाइस किए हुए आलू को इस तरह से लंबाई में कट कर लेंगे। काटते समय ध्यान रखें बहुत ज्यादा मोटी या बहुत ज्यादा पतली स्लाइसेस नहीं रखनी है इनकी। मीडियम थिकनेस रखनी है, क्योंकि ज्यादा पतला रखने से फ्राई करते समय ये टूटने लगते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने सभी आलुओं को कट कर लिया है। अब इन कटी हुए आलुओं को फटाफट से पानी में डालकर 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी अभी गंदा और मटमैला है, क्योंकि ये स्टार्च वाला पानी है। देखिए, आलुओं को 3 से 4 बार धो लेने के बाद पानी बिल्कुल साफ है, क्योंकि इसमें से सारा स्टार्च निकल चुका है। अब इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सिरका डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन आलुओं को नमक, पानी और सिरके के साथ थोड़ी देर पका लेंगे, जिससे आलू में थोड़े बहुत जो भी स्टार्च रह गए होंगे वो इससे निकल जाएंगे। ऐसा करने से फ्रेंच फ्राइज टूटेंगे नहीं, साथ ही और भी ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। आलुओं को मैंने धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि आलू अभी पूरी तरह से पके नहीं है, लेकिन इनका कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इन्हें हमें इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब आलुओं को तुरंत ही गर्म पानी से निकाल लेंगे, जिससे कि ये ओवर कुक ना हो। इन आलुओं को थोड़ा ड्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है। अब फटाफट से बॉईल किए हुए सारे आलू इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। इन्हें कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैलाकर थोड़ी देर के लिए फैन के नीचे रख देंगे, जिससे कि आलू में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर खत्म हो जाए और आलू थोड़े से ड्राई हो जाए। लगभग 15 मिनट हो गए हैं, आलू भी थोड़े से ड्राई हो गए हैं, इसमें से सारा मॉइस्चर खत्म हो गया है। अभी तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें तलने के लिए कढ़ाई में तेल को तेज आंच पर गर्म होने रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब तलने के लिए इसमें पोटैटो स्टिक्स डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें हाई फ्लेम पर तलेंगे। अब एक चम्मच लेकर इन्हें उलट पुलट कर देंगे, जिससे ये स्टिक्स सभी तरफ से आसानी से तल पाए। इस समय इन आलुओं में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इसलिए झाग थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ये तलेंगे, झाग इसमें थोड़ा कम होता जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, यह बिल्कुल फ्री है। इन्हें तलते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और झाग भी थोड़े कम हो गए हैं। अब इसे हम तेल में से निकाल लेंगे। ये पोटैटो फ्राइज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। इन्हें और भी ज्यादा क्रिस्प बनाने के लिए हम इन्हें दोबारा से डबल फ्राई करेंगे। पोटैटो फ्राइज को थोड़ी देर के लिए जाली के ऊपर रख लेंगे, जिससे कि इसमें से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इन्हें एक प्लेट में पलट लेंगे। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए हम इन्हें थोड़ा फैला देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। अगर आप पोटैटो फ्राइज को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इन्हें इस तरह से हाफ फ्राई कर लें और फिर पूरी तरह से ठंडा कर लें और इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर डीप फ्रिज में स्टोर कर लें। और जब भी खाने का मन हो, इन्हें फ्रिज से निकालकर 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर तल लें और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें। तो चलिए, प्लेट में जो फ्राइज हमने फैला कर रखे थे वो ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें दोबारा से तल लेते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें फ्राइज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए तल लेंगे। देखिए, पोटैटो फ्राइज अच्छी तरह से तल गए हैं और इनका कलर हल्का सुनहरा हो गया है। अब इन्हें हम तेल में से निकाल लेंगे। आवाज से ही आपको पता चल गया होगा
कि ये पोटैटो फ्राइज कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मेरे घर पर बच्चे और बड़े सभी को ये पोटैटो फ्राइज बेहद पसंद है। आप भी अपने बच्चों के लिए मेरे बताए तरीके से पोटैटो फ्राइज की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, उन्हें यह बेहद पसंद आने वाली है। साथ ही यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।